अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस कपड़े पर किस नंबर की सुई चलाएं। अगर आप टेलर हैं, सिलाई करते हैं, चाहे लेडीज़ टेलर हो चाहे जेंट्स टेलर हो, तो हम सब लोगों को यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न रहता है किस कपड़े पर किस नंबर की सुई चलाएं। तो इस वीडियो में हम आपको 9 नंबर से लेकर 21 नंबर तक सुई के बारे में बताने वाले हैं, और हम आपको ये भी बताएंगे कि 9 नंबर से लेकर 21 नंबर तक हर नंबर में क्या फ़र्क होता है, सुई की लंबाई में फ़र्क होता है या सुई की गोलाई यानी मोटाई में फ़र्क होता है, आखिर अंतर क्या होता है और किस कपड़े पर कौन सी नीडिल चलाना चाहिए। नीडिल की जानकारी के साथ में मशीन की जानकारी भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ये नहीं कि मैंने जो आपको बता दिया आपने सेम वही नंबर लगा दिया, उसके साथ साथ मशीन की सेटिंग भी चेंज करनी होती है। तो हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे किस नंबर के लिए आपको मशीन की किस तरीके से क्या सेटिंग रखनी है, चाहे अम्ब्रेला मशीन हो चाहे हाफ सेटल छोटी मशीन हो, तो सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो को देखकर आप कभी भी किसी से यह नहीं पूछोगे हम किस कपड़े पर कौन से नंबर की सुई चलाएं। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिजाइनर। तो ये देखें दोस्तों, 9 नंबर से लेकर 21 नंबर तक की नीडिल हमारे पास में है। तो हम आपको 9 नंबर से लेकर 21 नंबर तक सुई के बारे में आपको बताएंगे किस कपड़े पर किस नंबर की सुई चलानी चाहिए। जो हाफ सेटल की मशीन की सुई होती है और जो अम्ब्रेला मशीन की सुई होती है, उसमें एक अंतर होता है। वो अंतर क्या होता है? तो देखिए, जो सुई का ऊपरी वाला भाग होता है, ये देखें, ये ऊपर वाला भाग जो होता है, जो अम्ब्रेला मशीन की सुई होती है वो टोटल यहाँ से गोल होती है, बिल्कुल भी कोई भी इस पर फंसाव नहीं होता है, ठीक। और जो छोटी मशीन हाफ सेटल की सुई होती है, तो उसमें यहाँ से फ़र्क होता है, वो टोटल पूरी गोल नहीं होती है, तो वो आधी गोल होती है और आधी यहाँ से चपटी होती है। देखिए, चपटे का मतलब ये हुआ, मैं अपनी भाषा में चपटा बोल रहा हूँ। तो ये है छोटी मशीन की सुई, देखिए ये इधर से गोल है और इधर से ये चपटी है, देख सकते हैं आप, ये देखें। और अम्ब्रेला मशीन की जो बड़ी मशीन की सुई होती है, वो ऊपर से टोटल गोल होती है। तो बस ये फ़र्क होता है छोटी और बड़ी मशीन की सुई में। अब एक सवाल न्यू बिगिनर्स के मन में और रहता है, जो सबसे ज़्यादा चलता रहता है, तो वो भी डाउट्स क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए, कुछ लोग सोचते हैं जो 9 नंबर की सुई होती है वो बड़े नंबर के मुकाबले लंबाई में छोटी होती होगी, पर ऐसा नहीं है। सुई की सबकी लंबाई एक बराबर होती है, चाहे 21 नंबर सुई हो चाहे 9 नंबर हो, लंबाई सेम बिल्कुल बराबर होती है, कोई भी फ़र्क नहीं है। तो देखिए, फ़र्क होता है, फ़र्क क्या होता है वो जान लीजिए। तो जैसे जितना छोटा नंबर होगा उतनी ही सुई की गुलाई कम होगी, सुई पतली होगी, और जब नंबर बड़ा होगा तो सुई की गुलाई ज़्यादा होगी यानी सुई मोटी होगी। तो बस फ़र्क यही है, 9 नंबर के मुकाबले 11 नंबर की सुई ज़्यादा मोटी होगी, और 11 नंबर के मुकाबले 14 नंबर की उससे ज़्यादा मोटी होगी, और 14 के मुकाबले 16 की उससे ज़्यादा मोटी होगी। इस तरीके से 21 नंबर की सुई सबसे ज़्यादा मोटी होती है। उसके बाद एक 24 नंबर भी आता है, पर 24 नंबर के लिए हमारा कोई भी काम नहीं है। काम तो 21 नंबर का भी हमारे पास नहीं है, क्योंकि टेलर लोगों को 18 नंबर तक ही ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी इत्तेफाक से हमको 21 नंबर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो हम आपको 21 नंबर के बारे में बता देंगे। तो देखिए, अब आते हैं मेन टॉपिक पर, किस कपड़े के लिए हमको कौन सी सुई चलानी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और हम आपको लास्ट में ये भी बताएंगे किस नंबर की सुई के लिए हमको मशीन की सेटिंग कैसे रखनी है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है आपने वीडियो देख लिया आपको नंबर पता लग गया, उसके साथ साथ आपको नंबर चेंज करने के बाद मशीन की सेटिंग भी चेंज करनी होती है। तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगा, मशीन की किस नंबर की सुई के लिए आपको किस तरीके की सेटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम 9 नंबर की सुई के बारे में जानेंगे, उसके बाद में हम इस तरीके से सारे नंबरों के बारे में बताते हुए चलेंगे। तो देखिए, 9 नंबर की सुई जो होती है बहुत ही पतली होती है, बहुत ज़्यादा ही पतली होती है, ठीक। जो लेडीज़ टेलर होते हैं बुटीक पर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, जेंट्स काम में तो कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो 9 नंबर की सुई जो होती है वो ज़्यादातर दुपट्टे पर काम आती है, जिसमें दुपट्टा जो पतला होता है, जो नेट का कपड़ा होता है, जाली वाला कपड़ा होता है, उसके काम में आती है। बाकी आपको देख लेना है, ज़्यादा महीन पतला कपड़ा है, बिल्कुल पतले से पतला कपड़ा होता है, जो जाली वाला कपड़ा होता है, उस पर हमको 9 नंबर की सुई लगानी होती है, तब हमारी मशीन जाकर सही चलेगी। अब 11 के बारे में जान लेते हैं। तो 9 नंबर सुई और 11 नंबर सुई का लगभग एक ही काम होता है, तो ये भी आप दुपट्टे के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेट वाला कपड़ा होता है, जो जाली वाला कपड़ा होता है, या हौजरी का जो हमारा पैजामे होते हैं, जो टी शर्ट होती हैं, जो हौजरी का कपड़ा होता है, उसके काम में आती है। साटन का कपड़ा होता है, मलवल कपड़ा, जैसे कि सीफोन वगैरह, ये सारे कपड़े होते हैं, यानी जो पतले कपड़े होते हैं उनके काम में ये सुई आती हैं। तो अब जान लेते हैं 14 नंबर के बारे में। तो ये जो 14 नंबर की सुई होती है, तो ये भी आप मीडियम कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि पजामा है, टी शर्ट है,
और जो ब्लाउज़ हैं आपके, यानी जो पतले कपड़े होते हैं, ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं होते हैं, तो मीडियम कपड़ों के लिए आप 14 नंबर सुई का यूज़ कर सकते हैं। आप बात आती है 16 नंबर की, तो ये जी ज़्यादातर जेंट्स टेलर भी इसका यूज़ करते हैं और लेडीज़ टेलर भी इसका यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मल कपड़ों के लिए होती है, जैसे कि लेडीज़ सूट हैं, कॉटन के सूट होते हैं, और अगर शर्ट है जैसे कि बिना पेस्टिंग के कॉलर कफ हैं, तो आप शर्ट भी बना सकते हैं, पजामा, प्लाजो, सलवार, यानी ये सारे कपड़े आप बना सकते हैं। ये मीडियम कपड़ों के लिए 16 नंबर सुई यूज़ में आती है। अब बात आती है 18 नंबर, तो ये 18 नंबर सुई ज़्यादातर जेंट्स टेलरों के लिए काम में आती है, जैसे कि पैंट सेट का, कोट पैंट का जहाँ काम होता है, तो वहाँ पर इस सुई का यूज़ किया जाता है। तो 16 नंबर और 18 नंबर ज़्यादातर यही नंबर यूज़ किए जाते हैं, ये नॉर्मल नंबर हैं। बात आती है 21 नंबर की, तो ये 21 नंबर की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है, पर कभी कभी हमें इसकी ज़रूरत पड़ भी जाती है। तो 21 नंबर सुई के लिए आपको किस कपड़े पर ज़रूरत पड़ती है, जीन्स की पैंट की मोहरी मोड़ रहे हैं, या जीन्स की पैंट की फिटिंग लगा रहे हैं, या कमर में लूज़ या टाइट कर रहे हैं, तो हमको जीन्स के कपड़े के लिए ज़्यादातर ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद जैसे कि मोटे कपड़ों में, जैसे लेदर हो गया, कैनवास हो गया, शूज़ हो गए, तो यानी कि जो ज़्यादातर मोटे कपड़े होते हैं उनके काम में आती है। और 24 नंबर सुई का हमारा कोई भी काम नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में बताना भी ज़्यादा ठीक नहीं है, वीडियो भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अब हम मशीन पर चलते हैं, आपको बताएंगे किस नंबर की सुई के लिए किस कपड़े पर मशीन की सेटिंग किस तरीके से रखनी है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो हमारी 14 नंबर की सुई होती है और जो 16 नंबर की सुई होती है, तो उसकी सेटिंग लगभग एक जैसी होती है, क्योंकि सुई की जो गुलाई होती है, सुई की मोटाई होती है, उसमें कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं होता है। ये जो आइटम है, ठीक है, तो ये आइटम दोनों तरफ को घूमता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा किस काम के लिए होता है, पर कुछ नई मशीनें होती हैं उस पर हाथ से नहीं घूमेगा, तो आपको प्लास से घुमाना होगा। तो ये इस तरीके से अगर हम इसको टाइट करेंगे, तो ये हमारा जो बूट है, ये जो नीचे गिर रहा है, तो ये कपड़े को जो दबाता है इस तरीके से। तो अब जैसे कि अगर आपकी सुई 11 नंबर की सुई है या 9 नंबर की सुई है, तो अगर आप इसको कसेंगे तो इसका प्रेशर बढ़ जाएगा, कपड़ा बिल्कुल टाइट हो जाएगा, और उसको आप ढीला करेंगे तो कपड़ा हाथ से खींचने लगेगा। तो अगर आप 11 नंबर या 9 नंबर की सुई चलाएंगे, तो आपको थोड़ा सा लूज़ कर देना है, थोड़ा सा ढीला कर देना है इसको। तो जब आप ढीला करेंगे तो आपका कपड़ा फटने का चांस नहीं रहेगा। तो छोटे नंबर की सुई जो होती है, पतले कपड़े पर चलाई जाती है, तो पतले कपड़े के लिए हमको ज़्यादा दबाव नहीं देना है, कम प्रेशर रखना है, तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा ढीला करेंगे। अब जैसे कि अगर आपकी सुई 18 नंबर है, तो 18 नंबर में आप थोड़ा सा टाइट कर देंगे, क्योंकि 18 नंबर के लिए हमको थोड़ा मोटा कपड़ा चाहिए होता है, जैसे कि पैंट सेट का कपड़ा होता है, तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टाइट करेंगे, क्योंकि जब मोटा कपड़ा होगा तो थोड़ा सा टाइट ही होना चाहिए। अब बात आती है 21 नंबर सुई के लिए, तो 21 नंबर सुई के लिए हमारा बूट बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ जाता है, तो हमारी दबोरी कम हो जाएगी, ये दबाव जो है ये कम हो जाएगा ना, कपड़ा की वजह से बूट उठा रहेगा, तो इस वजह से हमको यहाँ पर इसको टाइट कर देना है। जब आप इसको घुमाएंगे और बूट को गिराने के बाद कपड़ा इस तरीके से खींच कर देखेंगे। अब हम आते हैं इसके सेटल की तरफ। तो ये देखें दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि छोटे नंबर की सुई जो होती है वो पतली होती है, और बड़े नंबर की सुई मोटी होती है। और आप में से बहुत सारे लोग ये भी जानते होंगे, जब हमारी सुई नीचे से ऊपर के लिए टांका लेकर आती है, तो ये शटल की जो नोक होती है और जो सुई होती है, ये बिल्कुल मिलकर चलती है, यानी कि ये शटल की नोक सुई में टकराती भी नहीं है और हटके भी नहीं चलती है, बिल्कुल मिलकर चलती है। जब हम छोटे नंबर की सुई लगाएंगे तो सुई पतली हो जाएगी, तो इस वजह से सुई और शटल के बीच में गैप हो जाएगा, तो हमारा टांका सही से नहीं आ पाएगा। तो यहाँ आपको क्या करना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो उससे पहले आपको एक बार चेक करके देख लेना है, अगर आपकी 11 नंबर की सुई है, अगर आपको शटल की बिना सेटिंग करी आपकी मशीन सही चल रही है, तो आप इसको छेड़खानी ना करें, बिल्कुल भी छेड़छाड़ ना करें, और अगर सही नहीं चल रही है तो इस सेटिंग पर ध्यान दें आप। तो जैसे कि अगर आपकी 9 या 11 नंबर की सुई है, तो देखेंगे आप यहाँ पर बीच में गैप हो जाएगा शटल की नोक और सुई के बीच में। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए शटल के पास ये पेंच होते हैं, ये वाले, ये तीन पेंच होते हैं, ये आपको खोलने हैं, और खोलकर थोड़ा सा हम इस तरीके से आगे करेंगे, करीब आधा सूद या एक सूद शायद बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो आपको शटल को इधर क्लिक कर देना है और आप इसके पेंच कस देंगे, तो आपकी मशीन बिल्कुल सही चलने लगेगी। अगर आपने इससे पहले मशीन कभी भी नहीं खोली है, तो आप इस तरीके की छेड़खानी ना करें, आपकी मशीन ख़राब हो सकती है, तो आप किसी जानकार को, किसी मैकेनिक को दिखाएँ, तभी ये सेटिंग करें, वरना आप खुद इस पर कोशिश ना करें। और दोस्तों, जो छोटी मशीन होती है, हाफ शटल मशीन होती है, उसका शटल आगे पीछे करने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, तो अगर आप न्यू बिगिनर्स हैं तो उसको आप समझ नहीं पाएंगे। और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगा, हाफ शटल मशीन के लिए आप शटल को आगे पीछे कैसे करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं उसको देखकर अगर आपका फिर भी कोई डाउट्स है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप हमसे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं और अपना सवाल रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में कोई ऐसी बात रह गई हो जो मैं शायद आपको नहीं बता पाया हूं, क्योंकि वैसे मैंने इस वीडियो में सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।